आज हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में आप किस प्रकार से अपना मेल को आप किस प्रकार से मेल भेजेंगे किसी के पास, और किस प्रकार से आप अपना मेल चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मेल पे। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बना के बताया है कि आप किस प्रकार से अपना ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, अपना ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपना मेल चेक करेंगे। मेल चेक करने के कई तरीके हैं, तो आप जैसे ही अपना ईमेल आईडी ओपन कीजिएगा, ये देखिए सारे मेल्स आपको दिखने लगे, ये सारे मेल आपको आए हैं, ये आपको दिख रहे हैं। इसी तरह तो आपने देख लिया, पर आपको अगर पर्टिकुलर देखना है कि अगर किसी पर्सनल व्यक्ति ने, जैसे विजय कुमार ने मुझे मेल भेजा है, एक मेल तो यहाँ दिखा रहा है, अब आपको और भी इन्होंने बहुत सारा मेल एक महीने से अंदर में भेजा है, तो आप उन्हें एक साथ कैसे देखेंगे? तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसमें मेल में आपको बहुत सारा मेल आया है, एक एक करके देखेंगे तो आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। जैसे दूसरा मेल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, अब तीसरा मेल वैसे ही ढूंढना पड़ेगा नीचे जा के, तो आप यहाँ बैक जाएंगे, तो मेरे मेल पे बहुत सारे मेल्स आते हैं, तो उसमें एक एक करके ढूंढना बहुत ही काफ़ी मुश्किल काम है। तो इस स्थिति में आपको अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का मेल ढूंढना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सर्च मेल पे जाके उनका ईमेल आईडी यहाँ सर्च में डालना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है या याद नहीं है, तो आप उसका नाम भी अगर डालिएंगे, देखिए मैं जैसे ही विजय लिख रहा हूँ, उनके नाम से भी ये सर्च मार ले लेगा। और देखिए यहाँ पे विजय मोहित जीपीजी आ गया। अब इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो हमको अब इनका इस पर्टिकुलर मेल से मुझे जितने भी मेल आए हैं, ये सब कुछ ओपन हो गया। अब इसमें दिखा रहा है कि मैंने कितना मेल इनको भेजा है, उन्होंने कितना मेल मुझे भेजा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अब आपको उन सारे मेल्स के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, आप एक आदमी का मेल इस तरह से सर्च मार के पर्टिकुलर देख सकते हैं। एक तरीका यह है, आप इजली मेल किसी का भी चेक कर सकते हैं, वो चाहे जितना भी पुराना हो। देखिए अब ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये 10 जुलाई का है, उसके बाद से ये देखिए जून का है मेल, जून 18 का, उसके बाद से अप्रैल 29 अप्रैल का है, उसके बाद से 6/10/2019 का है। इस तरीके से आप मेल जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप किस प्रकार से अपना भेजा हुआ मेल, अगर आपने किसी को मेल सेंड कर दिया है और आपको चेक करना है कि वो मेल चला गया या नहीं गया, या फिर वो किसी प्रकार से नहीं जा पाया, तो आपको क्या करना है, यहाँ कोने पे आना है। देखिए यहाँ पे इनबॉक्स है, इनबॉक्स के बाद से आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ जो लेस है, यहाँ मोर दिखाई दे रहा है, मोर पे जब क्लिक करेंगे तो लेस आ जाएगा, और आप इसे ड्रॉल करेंगे तो नीचे तक और भी ऑप्शन आएंगे। नीचे देखिए यहाँ सेंट ऑप्शन का ऑप्शन है, सेंट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे जो भी मेल आया है, ये सारे वो मेल है जो हमने किसी ना किसी पार्टी को मेल किया है। अब यहाँ से आप सर्च मारिए, देखिए ये सारा जो वो मेल है जिसे मैंने भेजा है, वो सब सेंट मेल में है। तो यहाँ से आप अगर किसी को मेल भेजे हैं, तो उस चीज़ को आपको यहाँ से दोबारा ले सकते हैं, और यहाँ से ढूंढ कर सकते हैं, और ढूंढ के उसे फिर से किसी भी पर्सन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया सेंट मेल। अब अगर आपको ऑल मेल एक ही जगह देखना है, देखिए नीचे ऑल मेल का ऑप्शन आता है, यानी कि बहुत सारा मेल्स आते हैं जो आपको शो नहीं करते हैं एक साथ, आप ऑल मेल पे जब क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जितने मेल हैं मेरे ईमेल आईडी पे,
वो सारा मेल एक साथ शो कर रहा है। ये मेल शो कर दिया, देखिए सारा मेल शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप ऑल मेल पे जाके भी मेल सर्च कर सकते हैं। उसके बाद से ऑप्शन आता है आपको ये एक ट्रेस का, अगर आपने किसी भी मेल को डिलीट कर दिया हो या गलती से डिलीट हो गया हो या आपने डिलीट कर दिया हो उसे आप चाहते हैं फिर से दोबारा उसे लाना या उसे देखना, तो आप ट्रेस पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए मैंने 30 डे के अंदर कोई भी मेल डिलीट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक मेल डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये सारे मैसेज हैं अमेज़न के, तो मैंने इन्हें कर दिया डिलीट। अब जब आप जाएंगे ट्रेस पे, देखिए ये मैंने जो जो मेल डिलीट किया है मुझे यहाँ पे वो मेल 1, 2 दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट मेल को भी देख सकते हैं, यहाँ पे उसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे फिर से रीस्टोर करके आप उस जगह पे ले जाके फिर से रख सकते हैं। यहाँ पे इसे टिक मारेंगे और फिर आप इसे वहाँ पे ले जाके सबमिट कर देंगे। तो ये था कुछ मेल के बारे में जानकारियाँ कि आप किस प्रकार से इक्विवेलेंट अलग अलग लोगों का मेल देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उसे दोबारा यूज में ला सकते हैं। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से मेल को सेंड करते हैं, भेजते हैं।